गांधीबाग अग्रसेन चौक स्थित मुराद अली शाह हजरत की दरगाह तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस की ओर से मनपा आयुक्त का घेराव किया गया। इस वक्त कांग्रेस की ओर से निषेध व्यक्त किया गया, वहीं तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। एक और जहां सर्वधर्म समभाव के प्रतीक सूफी संत हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अली का सालाना उर्स मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गांधीबाग अग्रसेन चौक स्थित मुराद अली शाह हजरत की दरगाह सुबह 5 बजे तोड़ी गई, जिसके विरोध में गुरुवार को कांग्रेस की ओर से मनपा आयुक्त का घेराव किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा किए गए इस कार्य का निषेध किया, साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर इस पूरे कृत्य का आरोप लगाया है। गांधीबाग फौरा चौक वहाँ पर मुराद अली शाह बाबा की दरगाह है, 277 साल हो गए और वो दरगाह जो है बाजू में दवाई मार्केट है और दरगाह का पूरे कागजात हमारे पास में है। 1911 का उसका नोटिफिकेशन है, उसके 7-12 है। सारी चीजें रहने के बाद वहाँ पर पिछले टाइम महानगर पालिका के डीवाइन सी भी आए थे और मेरे दरगाह के पूरे कागजात पूरे तैयार है और जब से वो दरगाह को 2-3 बार तोड़ दिया गया और जब दरगाह टूट गई है तो बार बार दरगाह तोड़ने का मतलब नहीं आता। अभी 20 तारीख को कोर्ट के अंदर में स्टेटस को हुआ था, स्टेटस को 1 तारीख थी, 1 तारीख रहने के बाद में ये बीजेपी के लोग, ये इनके वकील वहां पर भीड़ कर फिर से उस केस को खुलाए और हियरिंग कराए। हियरिंग कराने के बाद में 21 तारीख को 22 तारीख को उसका फैसला नहीं दिया और इन्होंने परसों के दिन 4:30 बजे बोले कि जो स्टेटस को था वो वैकेट हो गया करके इस तरीके का जो, और हमको मालूम पड़ रहा है रात को और सुबह 5 बजे वो दरगाह जो ऑलरेडी पहले से टूटी हुई थी 5 बजे, ये इतिहास में बड़ी समझने वाली बात है। 5 बजे सवेरे लोग सोए रहते वहाँ 300-400 पुलिस और वहाँ पूरे ताबे के साथ में वो दरगाह के बाजू में जितनी मट्टी वगैरह थी जो बैठने के जगह वगैरह थी वो पूरा इन्होंने तोड़ दिया, जमीन दोष कर दिया चाहे। और वहाँ पर मैं हम लोग आज कल से 1 तारीख से सारे दिन वहाँ का हूँ। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन ने कहा कि इस मामले में अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया जाएगा और जो भी होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।